बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी का, हमारे पूर्व विधायक रहे, पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे, आज कांग्रेस में राहुल जी के नेतृत्व में शामिल हुए हैं भाई अकरम खान जी, उनका कांग्रेस पार्टी में विधिवत स्वागत है। और अब मैं साथियों, सभी साथियों से गुजारिश है, ये जो साथी बैठ सकते हैं, क्योंकि पीछे वाले साथियों को दिख नहीं रहा है, ये साथी बैठ जाएं भैया, पीछे वाले साथियों को दिखता नहीं है, वो कुर्सियों पे जो बैठे हैं उनको दिक्कत है, इसलिए जो साथी बैठ सकता है वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। अब मैं अनुरोध करता हूं, अनुरोध करने से पहले मैं सभी साथियों को भी और राहुल जी को इतना कहना चाहूंगा कि सर आपने जो हमारे नए प्रभारी दिए हैं, ये हरियाणा में चौथी बार एआईसीसी की तरफ से प्रभारी बनकर के आए हैं, और इनके आने के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस में आपका मार्गदर्शन है, आपके निर्देश हैं, लेकिन इनके आने के बाद पूरी कांग्रेस को इन्होंने एक बस में बिठा दिया है, और ये इनका टाइम टेस्टेड मॉडल है, और जहां जहां पूरी कांग्रेस इन्होंने बस में बिठाई है वहां 100% रिजल्ट मिला है, वहां कांग्रेस की प्रदेशों में सरकार बनी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये चौथा दिन है आज, और रात को सुबह 8 बजे से लेकर के हमने गुड़गांव की धरती से शुरुआत इस यात्रा की 26 तारीख को, और उस दिन से लेकर के रात के 12-12 एक-एक बजे तक मैं तमाम उन जिलों के हमारे साथियों का, क्योंकि ये यात्रा हर जिले के अंदर जाएगी, ये 70 से ज्यादा विधानसभाओं में जाएगी, और जहां भी ये यात्रा गई साथियों के अंदर जोश, जुनून और जीत, ये जज्बा लेकर के ये यात्रा गई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बेहतरीन परिणाम 2009 के अंदर हरियाणा के अंदर हम 10 में से 9 सीटें जीते थे, 2004 के अंदर उस समय भी हम 10 में से 9 सीटें जीते थे। एक बार फिर हम आपके सामने, सब लोग, सारे साथी तैयार हैं 10 की 10 सीटें जिताने के लिए राहुल जी के सामने। तो साथियों, बूथ पर जाकर के काम करना, अपना अपना जो भी छोटे मोटे मतभेद है उसको भूल जाना, और सुनिश्चित करना कि जो बड़ी चुनौती हमारे सामने है, इस मुल्क को लूटने की जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की है, जिस तरीके से किसान, मजदूर, गरीब को, छोटे व्यापारी को परेशान किया, हरियाणा को 4-4 बार जला करके हमारा भाईचारा खराब किया, आज उसके सामने राहुल जी एक हमारी किरण के तौर पर हैं, आने वाले भविष्य हैं हमारे, और यही मुल्क को बचा सकते हैं, आप लोग बचा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी बचा सकती है, ये मुल्क की 125 करोड़ जनता आने वाले समय में इस मुल्क को, हरियाणा को बचाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और यहाँ पर साथियों को संबोधित करें। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व देश के नेता श्री राहुल गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री माननीय गुलाम नबी आजाद जी, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर जी, और यहाँ से सांसद रही पूर्व मंत्री हमारी बहन शैलजा जी, सीएलपी नेता किरण चौधरी जी, हमारे साथ जितने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यगण हैं सबके सब यहाँ पर, और विधायक साथी, पूर्व विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच व उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, देखिए आज जैसा बताया गया हमारी यात्रा, जो बस यात्रा चल रही है वो राहुल जी के आदेश से गुलाम नबी जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में घूम रहे, आज यमुनानगर में आए। मैं यही कह सकता हूं कि जहां जहां हम गए इतना तगड़ा जन समर्थन मिल रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसका कारण एक ही है कि 5 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था लोगों से, एक भी वायदा पूरा नहीं किया, किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं किया, और एक भी जनहित की नीति नहीं लेके आए, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो,
गरीब आदमी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो। आज किसान के राहुल जी को मालूम है, लेकिन बताना चाहता हूं, ये इलाका धान पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है ये इलाका, और यहां पर पॉपुलर पैदा होता है। इसकी वजह से इंडस्ट्री भी चलती है और लोगों का गुजारा भी होता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लागत बढ़ा दी और एमएसपी पूरी मिलती नहीं, लागत बढ़ा दी, खाद पर भी, पेस्टिसाइड्स पर भी, ट्रैक्टर पार्ट्स पर भी जीएसटी लगा दिया गया। आपके समय में, कांग्रेस के समय में, किसी पर कोई टैक्स नहीं था। खाद की कीमत जो 800 रुपए का कट्टा था, आज 1450 रुपए का कट्टा है, तो हर हिसाब से कीमत बढ़ रही है। लेकिन यहां पर किसान को एमएसपी भी नहीं मिलती। अभी एक साल पहले यहां पीपली मंडी में मैं गया तो आलू 9 पैसे किलो बिका, 9 पैसे किलो किसान बेच के आया, और ये कहते हैं 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। इनका मतलब ये है 9 पैसे जो किलो बिका आलू, 2022 में 18 पैसे किलो बिक जाएगा, ये दुगनी कर देंगे। राहुल जी ने जमीन बचाई, जो अधिकरण कानून में संशोधन लाना चाहते थे, आपकी वजह से नहीं आया, इसी वास्ते आज किसान उम्मीद जगाए बैठा है। गरीब आदमी जो आप कांग्रेस की सरकार के समय में 100-100 गज के 3,82,000 प्लॉट दिए, आज पूरे 5 साल इस सरकार को हो गए, एक गांव एक आदमी का नाम बता दो, कहीं कुछ नहीं दिया। इसी तरह इंडस्ट्री बेकार हो रही है, कर्मचारी, और यहां पर शुगर मिल की पेमेंट टाइम पर नहीं हो रही, गन्ने किस प्रकार से लूट मचाई हुई है पूरे प्रदेश में, सिर्फ लेने लेने का काम करते हैं ये, लोगों को देने का काम नहीं करते। लोगों को देने का काम से केवल राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी करती है। आपने देखा मनरेगा जब का हुआ, ये लेके आए राहुल जी, गरीब आदमी को रोजगार मिले। इसी प्रकार से जो भी फैसला किया है राहुल गांधी जी ने किया है। राहुल जी, मैं तो एक ही बात कहता हूं, आपने किसान की जमीन तो बचा दी, अब किसान को बचाने का काम पूरा देश का किसान आपकी तरफ देख रहा है, मजदूर आपकी तरफ देख रहा है। आप भी जो करेंगे, और लोगों को पूरी उम्मीद है आज यहां आप आए हैं, मैं स्वागत करता हूं, और आपके आने से जो ऊर्जा यहां पैदा होगी, ये पूरे हरियाणा में एक लहर बनेगी, और हम दावे के साथ कह सकते हैं भाई अव्वल तो 10 में से 9, नहीं तो 10 की 10 सीट आपको हम आपकी झोली में डाल के देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।